नमस्कार, मैं अनुष्का। आज है 22 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास मिला प्राचीन स्नानागार का भग्नावशेष। औरंगाबाद के राजन कावरा बने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के टॉपर। देश के 15वें राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। बिहार बोर्ड ने जारी किए आईटीआई परीक्षा की आंसर की। धवन के नेतृत्व में आज भारतीय टीम करेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का आगाज। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नालंदा यूनिवर्सिटी के पास मिला प्राचीन स्नानागार का भग्नावशेष। विश्व धरोहर नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास इन दिनों तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। इसके बाद खुदाई के दौरान पटना यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से सटे देहड़ पोखर चमरगद्दी टोले के निकट तालाब में प्राचीन भग्नावशेष मिले हैं। इस भग्नावशेष के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी प्राचीन स्नानागार या घाट तालाब का हिस्सा इसे बता रहे हैं। तो वहीं यही नहीं, यहाँ के परिसर से दुर्लभ पत्थर की शिवलिंग भी मिलने की चर्चा है। हालांकि यह एएसआई के हाथ नहीं लग सकी। दरअसल एएसआई अधिकारियों द्वारा खुदाई बंद करने की नोटिस दी गई थी, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया, जिसके बाद एएसआई अधिकारी लगातार दो दिनों से स्थल का मुआयना कर रहे हैं। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे अहम शर्मा की। अहम शर्मा कला की दुनिया में मशहूर नाम है। वे एक एक्टर हैं और कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई को साल 1989 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। एक्टिंग से पहले उन्होंने इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने फेमस टीवी सीरियल चांद के पार चलो में रेहान का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया। उनका सबसे फेमस रोल स्टार प्लस पर आने वाले महाभारत शो का है, जिसमें उन्होंने महाराज कर्ण की दमदार भूमिका निभाई। BEL बेंगलोर ने इंजीनियर के 150 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL बेंगलोर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 150 खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में BE, BTEC या BSc की डिग्री 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.belindia.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन के लिए आवेदन कर चुके उद्यमियों के लिए बड़ी खबर। बिहार में उद्योग के लगाने के लिए जमीन के लिए आवेदन कर चुके उद्यमी जो इंतजार कर रहे हैं, अब उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। दरअसल उद्योग विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके तहत बियाडा की जमीन की दर 20-80% तक की कमी आई है। यही वजह है कि अब नए सिरे से आवेदन किए जाएंगे। वहीं जो उद्यमी जमीन के आवेदन कर चुके हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा। हालांकि जो भी उद्यमी इसके लिए आवेदन कर चुके थे, उन्हें बियाडा की तरफ से सूचना पहुंचाई जा रही है। बिहार बोर्ड ने जारी किए आईटीआई परीक्षा की आंसर की। बिहार बोर्ड ने आईटीआई परीक्षा 2022 की आंसर की जारी कर दी है। वैसे विद्यार्थी जो आईटीआई की परीक्षा में बैठे हो, वो बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां से अपनी आपत्ति भी जाहिर कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स इस आंसर की में दिए किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाना होगा। ऑब्जेक्शन करने की लास्ट डेट 26 जुलाई 2022 है। तय तारीख के बाद किए गए ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का बदलेगा कायाकल्प। सूबे के बक्सर जिले में स्थित मशहूर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का जल्द ही कायाकल्प बदलेगा। साथ ही इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने का काम किया जाएगा। इसे लेकर बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने वर्चुअल मोड में ब्रह्मेश्वर मंदिर से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने बरहामपुर से सटे रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ स्टेशन किए जाने का सुझाव भी रखा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही एक प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाशय के निर्माण के साथ साथ चार दीवारी का निर्माण, चेंजिंग रूम समेत अन्य तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पितरों की मोक्ष स्थली गया के बारे में। गया को पितरों की मोक्ष स्थली कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में लोग यहां अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंड दान करने पहुंचते हैं। यह जिले के मुख्यालय और बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। इस शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गया तीन ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनके नाम मंगला, गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि है। नगर के पूरब में फल्गु नदी बहती है। गया का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटती है। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का दिखा खराब प्रदर्शन। बिहार ने एक बार फिर से निवेशकों को अपनी ओर खींचने में बुरा प्रदर्शन किया है। दरअसल नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। बिहार को नीचे से तीसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि 17 प्रमुख राज्यों की सूची में बिहार को 15वां स्थान मिला है। बिहार के नीचे ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, जबकि सूबे के पड़ोसी राज्य झारखंड को 10वां और उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। इस सूचकांक पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। इसके मुताबिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों की बदौलत कर्नाटक को सबसे अधिक अंक मिले हैं। प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिली है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से प्रदेश के तापमान में कमी देखी जा रही है। बारिश होने से एक ओर जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। बारिश ना होने से धान की फसल को नुकसान हो रहा था, लेकिन बरसात होने से अब फसल को भी फायदा होगा। IMD के पूर्वानुमानों की माने तो 22 से 23 जुलाई तक एक बार फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में किसानों के लिए यह सबसे मुश्किल समय होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार खगड़िया, मुंगेर और पश्चिम चंपारण जिलों में एक से दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार में राजस्व अधिकारी का धान की रोपनी करते हुए वीडियो वायरल। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी अधिकारी अपने पद का रौब झाड़ते रहते हैं तो कभी अपने पद का दुरुपयोग करते नजर आ जाते हैं। मगर बिहार के गया से एक सरकारी अधिकारी ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए इन सभी भ्रांतियों को दूर कर दिया है। दरअसल ये अधिकारी खिजरसराय अंचल की राजस्व पदाधिकारी ममता कुमारी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्व अधिकारी ममता कुमारी खिजरसराय के सोबरन गांव में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में धान के खेत में महिलाओं को रोपनी करते देख वे भी पानी भरे खेत में उतरकर रोपनी करने लगी। तो वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और सभी उनके इस जमीनी भाव की तरफ तारीफ करते हुए वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। औरंगाबाद के राजन काबरा बने CA इंटरमीडिएट एग्जाम के टॉपर। बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, खास करके देश के किसी भी एग्जाम में टॉप करने का हुनर भी बिहारियों को बखूब पता है। इस बात को बीते दिन औरंगाबाद के निवासी राजन काबरा ने सच कर दिया। दरअसल बीते दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, जिसमें औरंगाबाद के राजन ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। उन्हें 800 में से 666 अंक मिले हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर गुवाहाटी की निष्ठा बोथरा ने जगह पाई है। आपको बता दें कि बीते दिन ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर स्कोर कार्ड जारी किया है, जिसे आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के बाढ़ संकट को लेकर लोकसभा में उठा मुद्दा। सूबे में बिन बारिश हुए ही कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी है। बारिश ना होने के कारण किसानों को जहां सूखे का संकट डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीते दिन लोकसभा के मानसून सत्र में चर्चा हुई, जिसके तहत भाजपा सांसद सह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नेपाल से बहने वाली कोसी, बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों की वजह से हर साल बिहार में होने वाली तबाही का मामला उठाया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेपाल से पानी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार में तबाही आती है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिसके बावजूद भी सरकार इसका स्थायी निदान खोज रही है। बिहार विधानसभा की विभिन्न कमेटियां करेंगी जिला बार अध्ययन। बिहार विधानसभा अब अपनी पुरानी भूमिका को फिर से निभाएगी। सभा के विभिन्न समितियां जल्द ही जिला बार जाकर उनका अध्ययन करेंगी। ये समितियां जन सरोकार से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगी, जिससे विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग जाएगा। ये बातें विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बीते दिन कही। उन्होंने बीते दिन कहा कि समितियों के सुदृढ़ीकरण से बिहार विधानसभा अपने असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। इसको लेकर यह समितियां प्रदेश के जिलों का दौरा कर समस्याओं का अध्ययन करेंगी। ये समितियां अपने नियम के तहत काम करती है और इसमें विभिन्न दलों के विधायक एक साथ होते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में बीते 2 सालों से यह व्यवस्था बंद थी, मगर इसे अब एक बार फिर से शुरू करने की बात हो रही है।
देश के 15वें राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। बीते दिन देश को सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई। इस जीत के साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जीत की खबर मिलते ही देश के आदिवासी बहुल इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से जश्न शुरू हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए देर शाम उनके घर भी पहुंचे। दूसरी तरफ बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने उन्हें जीत की बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था, लेकिन नतीजे आने के बाद उन्होंने दूसरी महिला राष्ट्रपति को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिहार विधान परिषद में 7 सदस्यों का कार्यकाल खत्म। बीते दिन बिहार विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब इनकी जगह नए विधान पार्षद कार्यभार संभालेंगे। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ है उनमें अर्जुन सहनी, मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रोजीना नाजेश, रणविजय कुमार सिंह, मुकेश सहनी और सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा शामिल है। इन सब में सबसे कम दिनों का कार्यकाल वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का रहा है, जो कि बीजेपी कोटे से विधान पार्षद बने थे। आपको बता दें कि जिन 7 सदस्यों का कार्यकाल अब शुरू होगा उनमें जदयू से रविंद्र सिंह और अफाक अहमद है, तो वहीं बीजेपी की ओर से अनिल शर्मा और हरी सहनी विधान पार्षद बने हैं। साथ ही आरजेडी की ओर से मोहम्मद कारी साहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे हैं। बता दें कि ये सभी पहले ही निर्विरोध रूप से चयनित हैं। अनंत सिंह को एक और मामले में मिली 10 साल की जेल। मोकामा के पूर्व विधायक जो कभी बाहुबली कहे जाते थे, आज कानून उनका सारा बल कमजोर कर रही है। दरअसल अनंत सिंह को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। बीते दिन उन्होंने फिर से एक मामले में 10 साल की सजा मिली। यह सजा साल 2015 में पटना आवास पर हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट आदि की बरामदगी के कारण हुई, जिसके तहत बीते दिन MP MLA कोर्ट ने उन्हें 10 साल के हवालात की सजा सुना दी। आपको बता दें कि हाल ही में अनंत सिंह को कोर्ट ने उनके पैतृक आवास बाढ़ में हथियार रखने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। तो वहीं अब उनके कारनामों के कारण उन्हें दोहरा झटका फिर से लगा है। जदयू मंत्री ने कही बड़ी बात, कहा एनडीए में पहले जैसी मर्यादा नहीं। बिहार एनडीए के घटक दल जदयू और भाजपा के बीच अंदरूनी खटपट जारी है। हाल ही में जातिगत जनगणना के मामले में भी दोनों ही पार्टियों का स्टैंड बिल्कुल अलग दिखा। वहीं अब जदयू मंत्री ने एनडीए को लेकर चिंता जताई है। दरअसल बीते दिन बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और सीनियर जदयू नेता विजेंद्र यादव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने वाले मंत्रियों व नेताओं पर भड़ास निकाला है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि घटक दल के नेताओं को किसी भी मामले में आपस में बैठकर फैसला लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का है। उन्होंने कहा कि एनडीए में पहले एक मर्यादा और नियंत्रण था, लेकिन अब इसमें कमी दिख रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वाजपेयी सरकार के समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी, जो आज नहीं बनती है। ऐसे में एक कमेटी जरूर होनी चाहिए। सोनिया गांधी के समर्थन में पटना में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत बीते दिन बिहार के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बुलाकर घंटों पूछताछ की। इसके विरोध में ही बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके तहत पटना में कारगिल चौक से लेकर राज्य के ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला गया। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, प्रभारी भक्त चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगे इल्जाम गलत और बेबुनियाद हैं। सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान मदन मोहन झा समेत कई वरीय कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। बीजेपी जदयू के मतभेद के बीच चिराग पासवान की दो टूक। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इस विषय पर सियासी अटकलें भी तेज हैं। दरअसल एनडीए के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और जदयू में हमेशा मतभेद देखने को मिलती है। इस पर जदयू और मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ आपस में बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का है। तो वहीं विजेंद्र यादव के इस बयान के बाद रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए में क्या है क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है। चिंता का विषय बिहार और बिहारी होना चाहिए। अगर इतनी दिक्कत है तो जदयू और बीजेपी एक साथ आखिर क्यों है? चिंता करना है तो 19 लाख रोजगार की चिंता करें, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की चिंता करें, आपसी तालमेल की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। साल 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। साल 1981 में आज ही के दिन भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था। साल 2012 में आज ही के दिन प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म साल 1923 में हुआ था। रेबन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे का जन्म आज ही के दिन 1965 को हुआ था। आज ही के दिन महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म 1970 में हुआ था। आज ही के दिन साल 1918 में भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में जर्मनी से हुई लड़ाई में मारे गए थे। आज ही के दिन को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौतम अडानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में भारतीय अरबपति गौतम अडानी चौथे नंबर पर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़ दिया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए सूची के अनुसार गौतम अडानी और उनकी फैमिली की नेटवर्थ $114 बिलियन से ज्यादा है, जबकि बिल गेट्स की अनुमानित नेटवर्थ $102 बिलियन है। दरअसल बीते सप्ताह बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति से $20 बिलियन गेट्स फाउंडेशन को दान में दिए थे, जिसके बाद ही उनकी रैंकिंग में गिरावट आ गई और अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 5 पर रहे अडानी अब चौथे नंबर के अमीर बन गए। साथ ही वे भारत के भी सबसे अमीर आदमी बन गए। आपको बता दें कि गौतम अडानी का कारोबार बेसिक इंफ्रा, बिजली, ग्रीन एनर्जी, गैस, बंदरगाहों तक फैला हुआ है। शार्क टैंक इंडिया को टक्कर देगा सोनू सूद का कुबेरंस हाउस। आज तक अपनी अधिकतर फिल्मों में विलन का रोल अदा करने वाले सोनू सूद अपने असल जिंदगी में हीरो हैं, ये अब किसी से नहीं छुपा है। लोगों की मदद करने में व्यस्त सोनू सूद पर्दे पर भी लगन और मेहनत से लगे हुए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की आने वाले टीवी शो कुबेरंस हाउस की। इस शो के बारे में कहा जा रहा है कि यह शो बहुचर्चित शो शार्क टैंक इंडिया से मिलता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सोनू सूद का यह शो शार्क टैंक को टक्कर दे सकता है। जारी किए गए पोस्टर में सोनू सूद की तस्वीर है, जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि सपने देखो मैं उन्हें सच कर दूंगा। कुबेरंस हाउस जल्द आ रहा है कलर्स टीवी पर। अब एंड्रॉइड फोन से व्हाट्सएप चैट को iOS में कर सकेंगे ट्रांसफर। व्हाट्सएप एंड्रॉइड से iOS में चैट ट्रांसफर करने वाले फीचर को रोल आउट कर रहा है, ये जानकारी व्हाट्सएप ने ट्विटर के जरिए दी है। इसके लिए कंपनी काफी लंबे समय से इसकी टेस्टिंग कर रही थी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्त भी है, जिसके तहत आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन एंड्रॉइड OS लॉलीपॉप SDK 21 या फिर इसके बाद के वर्जन या एंड्रॉइड 5 या फिर इसके बाद के वर्जन पर काम करना चाहिए। आपको बता दें कि पहले यूजर्स को अपने चैट हिस्ट्री को अपने एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड में ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पार्टी के एप्स पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि अब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि व्हाट्सएप ने दुनिया भर में एंड्रॉइड से iOS क्षमता को रोल आउट करने की घोषणा कर दी है। धवन के नेतृत्व में आज भारतीय टीम करेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का आगाज। शुक्रवार यानी कि आज 22 जुलाई से वेस्ट इंडीज और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। क्वींस पार्क ओवल त्रिनिदाद में 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय टीम में कुछ नियमित खिलाड़ी जैसे कि कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया गया है। तो वहीं शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो वहीं वहां के मौसम की बात करें तो मैच के दौरान बारिश की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी बारिश की खलल देखी गई थी। बिहार में मिले कोविड-19 के 400 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 472 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2327 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 27, औरंगाबाद में 1, बांका में 6, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 44, भोजपुर में 6, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 28, गोपालगंज में 3, जमुई में 8, जहानाबाद में 7, कटिहार में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज में 11, मधुबनी में 17, मुंगेर में 11, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 8, नवादा में 1, पटना में 159, पूर्णिया में 19, रोहतास में 9, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 7, सारण में 4, शेखपुरा में 6, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 5, सुपौल में 17, वैशाली में 7, पश्चिमी चंपारण में 5 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावे 9 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 121,551 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान 494 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें पसंद आया उनके नाम है गौतम कुमार, सुधीर कुमार पटेल, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार, गोविंद राज, रविशंकर, कविता कुमारी, अनमोल पुष्कर, मुकेश कुमार, अनवर करीम खान, कुमार अमरजीत, पुरुषोत्तम कुमार सिंह, पवन सिंह, अरविंद कुमार, मोहम्मद जहांगीर, सूरज भगत, गौतम कुमार, शंकर मुखिया। आप सभी इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो में के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार देश की नई राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।